मोटा मोटी आपने हमको आइडिया दे दिया, आपने हमको ये भी कहा कि बाज़ार के अंदर थोड़ा कॉशियस रखना, और आपके दूसरा लाइन जो था मेरे को जो समझ में अच्छे से आया कि थोड़े बड़े शेयर्स पे ध्यान रखना। तीसरा HDFC पे आपका कॉन्फिडेंस हाई है, रेमको सीमेंट्स के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। सर, जो नए शेयर्स आपने खोजे हैं और जो बेंगलुरु की आपकी इस बार की यात्रा रही उसके साथ को जोड़ते हुए अगर आपके पास कुछ नए शेयर्स हैं तो सर वो भी बता दीजिए। तो देखिए डीपी जी, मैं बड़े बिग प्लेयर पे जाऊंगा, अल्ट्राटेक। आर्ग्यूबली 138 मिलियन टन की कैपेसिटी है, प्राइस राइज इज राउंड द कॉर्नर, और अगर प्राइस राइज ना भी बढ़े तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट है पेटको की वजह से वो बहुत स्ट्रांगली स्ट्रांग आएगी। मुझे लगता है इस क्वार्टर में मार्जिन अच्छे आएंगे। 10,200 का टारगेट है, 9,365 का स्टॉप लॉस, 9,600 पे आप खरीदने की इसमें चेष्टा कीजिए। दूसरा मुझे वेदांता, अब ये मैं वेदांता आपको 255, 260, 265 से कह रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स लोअर जा रहा है, जापान में जो आज फॉल आई है वो इसलिए आई है क्योंकि जापानीज ग्रोथ अच्छी है, और चाइना इज अ डार्क हॉर्स जो प्ले में आ रहा है। कमोडिटीज मेरे हिसाब से आर गोइंग टू लीड द बूम फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। टाटा स्टील न्यू हाई, सेल न्यू हाई, नेल्को न्यू हाई, और मुझे लगता है नेक्स्ट इज इन लाइन वेदांता इज गोइंग टू स्केल न्यू हाईज। 325 का इसका प्रीवियस हाई है, अभी आप 310 के टारगेट के लिए लीजिए, इसमें स्टॉप लॉस रखिए 272, जो ओरिजिनली हमारा 272-80 का टारगेट था वो वहां पास कर गया है। 300 का पहला टारगेट, 325 का दूसरा, 272 का स्टॉप लॉस। ये और अल्ट्राटेक टॉप पिक्स। सेल में है LTIM, आई थिंक IT में प्रेशर है, LTIM अंडर परफॉर्म कर रहा है। 5,145 से 50 में बेचिए, 5,259 का स्टॉप लॉस है, 5,000 का टारगेट मुझे दिखता है इन LTIM।